माँ महिम द्रौपदी मुर्मू जी के धन्यवाद पर हम लोगों ने प्रस्ताव लाया था और उसी समय हम लोगों ने मांग किया है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट जिस तरह से गलत लोगों को फंसाया गया है। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दिया कि आपने जो धाराएं हटाया है ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात मैंने कहा शिक्षा विभाग हो या शहरी विकास विभाग हो, फलक की मृत्यु हो गई थी नगर विकास मंत्रालय में, 400 करोड़ का टेंडर था वहां लेकिन उस गरीब परिवार को इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात है तबरेज अंसारी, तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या की गई, वो भेंडर था लेकिन भाजपा की सरकार में उसको चोर कहा गया और जो रफा दफा है, जो कानून था, जो एक्ट को रफा दफा करने का काम ही लोगों ने किया एक साजिश के तहत। मैं उसके परिवार से भी मैं मिला हूं और खाने तक का नहीं है उस परिवार को। तबरेज अंसारी मैंने कहा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी होगी, कार्रवाई करेगा। आपने आरोप बीजेपी और आरएसएस पे लगाया, दो लड़का मारा था, हत्या की बिल्कुल सुने जो मारा, जिसने मारा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसका नाम अमित मंडल है। मैं कोई बात बोलता हूँ काफी गंभीरता के साथ मैं बात बोलता हूँ, मारने वाला भाजपा के लोग, केवल तबरेज अंसारी नहीं मिनाज अंसारी को भी लोगों ने मारा है। विधानसभा में जामतोड़ा का था, उसमें आरएसएस का एक लड़का इन्वॉल्व था, तो सबको जांच होगा। यही खुजली हो रहा है इन लोगों को, कहता है इरफान अंसारी माफी मांगे, किस बात की माफी मांगे इरफान अंसारी, दोषी को सजा और फांसी दिलाने का काम इरफान अंसारी। एक लड़का आरएसएस का ये उसमें था तो सब आरएसएस दोषी है क्या? मैं केवल व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, एक लड़का आरएसएस पूरे सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मैं मांग कर रहा हूँ और उस पर कार्रवाई होगा और कड़ी से कड़ी सजा दिला जाएगी।